इंडियन टीवी न्यूज देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। मैं हूं तरुण कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी। आइए अब आपको बताते हैं अभी तक की ताजा खबर। खबर उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित अरनोटा से है, जहां कृष्णा पब्लिक उत्तर माध्यमिक विद्यालय में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं क्लास तक के 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें 100 छात्र तथा 100 छात्राएं शामिल थी। स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि जो छात्र छात्राएं 90% से ऊपर अंक प्राप्त करेंगे उन्हें सम्मानित कर उच्च श्रेणी के कॉम्पिटिशन की निःशुल्क तैयारी भी कराई जाएगी। क्या कुछ हुआ इस दौरान, आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। हमने अच्छे अंक बटोरने वाले, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, प्रथम और द्वितीय स्थान वाले को हम पुरस्कृत करेंगे और उसके लिए हमने कुछ ट्रॉफी वगैरह रखी हैं उनको हम, इसका रिजल्ट आने के बाद तुरंत छात्र या छात्रा को बांट देंगे, जिससे वो छात्र या छात्रा अपने भविष्य में और भी उत्तेजना के साथ शिक्षा का ग्रहण करे और अपने भविष्य में आगे की तरफ बढ़ता रहे। मौजूद हैं अरनोटा के कृष्णा पब्लिक माध्यमिक उच्चतर विद्यालय में। देखिए यहाँ पर एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा गया है। देखिए कुछ शिक्षक लोग हैं, उनसे बात करेंगे और कुछ बच्चों से भी बात करेंगे किस तरीके का और किस आधार पर किसको लेकर यहाँ पे आयोजन किया गया है। क्या नाम है शर्मा? मेरा नाम है सतीश पचौरी। जो आज जो प्रयोग प्रतियोगिता का प्रोग्राम रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, किस लेवल रखा गया है? हमने इस प्रोग्राम को इसलिए रखा है क्योंकि पढ़ाई के बाद बच्चों को नौकरी पाने में अत्यधिक परेशानियां होती थीं। हम चाहते हैं कि उनकी उन परेशानियों को पहले से ख़त्म कर दिया जाए एवं बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन किया जाए। अच्छा, जो भी अच्छे जो भी बच्चे आए हैं, देखिए मुझे अब इस टाइम कैमरा पर्सन भैया से कहूँगा कि हम बच्चों को भी देखते हैं, काफ़ी बच्चे भी देखे जा रहे हैं और यहाँ पर जो भी अच्छे बच्चे हैं और अच्छे नंबर से पास होंगे आने वाले समय में, अच्छे अंक लाकर प्राप्त होंगे, तो उनको किस तरीके से सम्मानित किया जाएगा? हम जो बच्चे आज की प्रतियोगिता में अच्छे अंक बटोरेगा उस छात्र या छात्रा को हम अपने विद्यालय के माध्यम से उच्च पुरस्कार से सम्मानित करेंगे और वो हमारे सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत होगा, जिससे सभी बच्चे भी अपने भविष्य में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर और हर खबर से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।